मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी और रिश्तेदारों के यहां आयकर विभाग के छापे पर सियासत शुरू हो गई है। आयकर विभाग की ओर से ये कार्रवाई मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ और अन्य लोगों के आवास और अन्य ठिकानों पर अभी भी जारी है। अब तक इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की बात सामने आ रही है और साथ ही इस दौरान बरामद जेवरों की कीमत का हिसाब भी लगाया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर सीएम कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आम चुनाव के दौरान इस तरह की कार्रवाई को तैयार रहे तो बीजेपी ने कमलनाथ को अपने सहयोगियों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें सीएम कमलनाथ के कार्यालयों पर लगातार छापेमारी जारी है। बीजेपी ने खोला राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा और आपको बता रहे एमपी में सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। सीएम कमलनाथ के करीबियों पर छापेमारी लगातार जारी है और इसके चलते बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।